अपन नंबर सिस्टम की अगली सीरीज में बात करते हैं बाइनरी अरिथमेटिक। इसके बारे में बात करें तो ये जिस नंबर 1 पे आता है वो है बाइनरी एडिशन। इस नंबर 2 पे आता है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। नंबर 3 पे आता है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और नंबर 4 पे आता है बाइनरी डिवीजन। इसको बोलते हैं जोड़, इसमें होता है घटाओ, इसमें होता है गुणा और इसमें होता है भाग। इस तरह से अपन यहाँ पर करते हैं। जैसा ये अपन यहाँ पर देखते हैं बाइनरी एडिशन, इस तरह से अपन इसमें देखते हैं यहाँ पर कि बाइनरी एडिशन कैसे इस टाइप से। तो जैसा कि ए बी यहाँ पर रिजल्ट या सम और यहाँ पर कैरी, इस टाइप से। तो अपन यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहले तो जैसे कि अपन यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1। जब 0 में 0 जोड़ेंगे तो इसका योग कितना हो जाएगा 0। और जब इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर से तो ये जो जोड़ा है यहाँ पे, मतलब जो वायर, इसमें इसका कोई चेंजेस नहीं है कि कोई कैरी घात इस टाइप का कुछ नहीं है। तो अब अपने यहाँ पे कितना लगा देंगे 0। अब इसके बाद में अगला देखते हैं अपन, तो जो अगला है वो आता है कि 0 में 1 जोड़ते हैं। 0 में अपन 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 1। कैरी की अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर कैरी नहीं आएगी, ये भी कितनी हो जाएगी 0। यहाँ पर अगर 1 0 को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ भी ये 0, लेकिन यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा 0 1। यहाँ पर 1 कैरी आ चुकी है, इस टाइप से। इसके बाद में अगला सेकंड देखते हैं, जैसा कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन बोले तो घटाओ। इसमें भी इसी टाइप से ए बी, यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डिफरेंस और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोरो, इस टाइप से। इसके लिए बात करें तो यहाँ पर जैसा कि 0 0 0 1 0 1 1। 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे 0 में से 1 घटाएंगे तो इसके लिए कुछ नहीं, यहाँ पर बोरो 1 लेंगे और इसकी जो डिफरेंस आएगा वो भी 1 हो जाएगा। इधर फिर यहाँ पर से इसकी बात करें तो यहाँ पर 1 में से 1 घटाएंगे 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। यहाँ 1 में से 1 घटेगा तो 0, इससे मतलब कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप से अपन को यहाँ पर भी सॉल्व करना होगा। इस तरह से अपन देख सकते हैं। अब इसके अपन कुछ उदाहरण से देखते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल्स 1 1, ये कितना हो गया 0 1, यहाँ पे कितना हो गया 1 1 1, ये कितना हो गया 1 1। अब अगर यहाँ बात करें तो ये 1 और ये 1, ये तो क्या है कैरी, और जी पीछे का जो TGT ये क्या आ रहा है अपना यहाँ पर सम। इस तरह से अपन किसी को भी जोड़ सकते हैं। जैसा कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 0 1 1 1 0, 1 में जोड़ेंगे तो 1 1 1 जोड़ेंगे तो 0, और ये कितना हो गया 1, तो यहाँ पर कितना जाएगा 1, जो ये ऊपर यहाँ पर कैरी है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1 0 0 1 1 1 1 0 1, इसको एक को एक जोड़ेंगे तो 0, यहाँ पे कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 1 0 फिर 1, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1। इस टाइप से आगे ये स्टेप चलता रहेगा। अपन कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि 1 0 1 1 1 1 1 1 0, इस टाइप से एक जो जोड़ेंगे तो 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, वहाँ पे 1, इसके बाद में 0, और यहाँ पे 1, 0, और ये 1। इस टाइप से यहाँ पर भी अपन कुछ इस टाइप से देख सकते हैं। इसके बाद में कुछ सब्ट्रैक्शन वाले एग्जांपल्स लेते हैं, जैसा कि एग्जांपल्स 1 0 1 0 1 1, माइनस एक में से एक गया तो 0, यहाँ पर से यहाँ एक उधार ले लेंगे, यहाँ पर कितना हो गया 10, कितना बच गया यहाँ पे कितना हो गया 1, और यहाँ पे 0। अगर अपन यहाँ बेसिक तरीके से देखना चाहें तो ये किसका मान है 5 का, ये किसका है 3 का, घटाएंगे कितना आया 2, वैसे भी उसका आंसर 2 ही आ रहा है। दूसरा देखते हैं 1 0 0 1 1 1 1 0 1, इसको माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में 0 गया तो 0, यहाँ पे कुछ नहीं है। इस टाइप से इसके बाद जगह आप यहाँ देखेंगे कि जो यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे बोरो लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर यहाँ से बोरो लेंगे, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ से लेंगे, यहाँ कितना हो गया 10, 10 में से गया था इधर से कितना बच गया यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना बच गया 1। इस टाइप से इसका भी वैल्यू हो जाएगा। इसके बाद में अगला अपन बात करते हैं, जैसा कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। अगर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो इसके अंदर ए प्रोडक्ट होगा, इसके नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीपल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कैरी, ये इस टाइप से चलेगा। कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसा कि 1 1 1, जैसा कि अब ऐसे इसको देखते हैं 1 1 से मल्टीपल करते हैं तो 1 को करते हैं तो 1 1 1, फिर क्रॉस कर देंगे, एक आगे लिखेंगे 1 1 1, इसको अपन ऐड 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 1 0 1 1, और यहाँ पे 1 आगे चला गया, ये 0 और ये 1। कोई अपन दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि 1 0 1 1 0 1, इसको गुणा करेंगे 108, इस टाइप वन मतलब 101101 एक क्रॉस जीरो का सेकंड आ जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, फिर हो जाएगा 101101, इसको मल्टीपल करेंगे 100001, यहाँ पर से ये 1 और यहाँ पर ये 1, इस टाइप से ये मल्टीप्लाई भी यहाँ से हो जाएगा। इसके बारे में अगर आगे बात करें, जैसा कि अगला आएगा बाइनरी डिवीजन। बोले तो भाग, जैसा कि कोई भी अपन एक नंबर लेते हैं, जैसा कि 110 का भाग दे रहे हैं 100001 इस टाइप से। यहाँ पे बात करें तो इसमें पहली बार में भाग कितना जाएगा 110, ये इसके साथ नहीं जाएगा क्योंकि इसे बड़ा है, तो अपन इसको यहाँ पर आगे शिफ्ट कर देते हैं इस टाइप से। अब इसको माइनस करते हैं 0 इसमें से, ये इसमें से कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 इस टाइप से। यहाँ पे देखेंगे इसमें नहीं जाएगा, यहाँ उतार लेंगे, ये कितना हो जाएगा 110, यहाँ पे कितना बच गया 0 1 1, तो इस टाइप से यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितनी बार गया था पहले ये, यहाँ पर कितनी बार गया कुछ नहीं, इसको डायरेक्ट अपन यहाँ से 0 ले लिया था। अब इसको यहाँ पर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे कितनी बार गया 1 टाइम 1, फिर कितना आ गया यहाँ का 0, फिर यहाँ पे कितना आ गया 1, इस टाइप से यहाँ पर इसका फाइनल आंसर ये आया है। इसकी अगर बात करें जो दिया गया है ये है क्वाड्रेंट, ये क्या है रिमाइंडर, ये क्या है डिविडेंड, ये क्या है डिवाइजर, इस टाइप से यहाँ पर भी अपन इसमें देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन 1011 110001, इसमें अपन देखें सबसे पहले एक बार ही गया 1, इसको माइनस करते हैं, यहाँ से गया तो 1 और यहाँ पे 0 0, इधर से 0 0, ये 1, ये इसमें कितना हो जाएगा कितने 1 0 1, कितना क्रॉस कितना हो गया 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, इस टाइप से। ये भी इसमें रिमाइंडर जिसमें पूरा यहाँ पे 0 0 हो चुका है, इसका भी कोई रोल इसमें नहीं होगा। तो इस तरह से अपन इसमें यहाँ पर भी इसमें कर सकते हैं, और भी कुछ उदाहरण बन चाहिए तो इसमें देख सकते हैं।